हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसको बच्चे बड़े सब बहुत खुश होकर खाएंगे और बनाने में भी बहुत ही इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये शानदार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आलू की पूरी है। ये कुट्टू और आलू की पूरी बहुत ही सॉफ्ट होती है फ्रेंड्स। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी लगेंगी आपको और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो बच्चे बड़े सब बहुत अच्छा आसानी से इसको और बहुत इन्जॉय करके खाते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर इसको बनाएं। ये व्रत की थाली है फ्रेंड्स, पूरी जो मैंने बनाई है। आज मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत जल्दी ये रेडी हो जाती है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है इसमें 2 से 3 चम्मच हमने रिफाइंड लिया है फॉर्चून ऑयल, क्योंकि ऑयल में इसको नहीं बनाते बर्थ के खाने को। देसी घी या फिर आप फॉर्चून में बना सकते हैं, तो मैं फॉर्चून यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमने लिया है फॉर्चून 2 चम्मच, इसके अंदर हमने फॉर्चून ऐड करा। ये काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने घर में ही अपनी काली मिर्च का पाउडर बनाया है फ्रेंड्स। ये आलू, बॉईल करे हुए आलू हैं ये, मैंने इनको कट कर लिया था पीसेस में। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इनको निकाल कर इनको सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। ये आलू भी काली मिर्च और सेंधा नमक के ही होते हैं। ये हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है और बच्चे भी इसको खा लेते हैं आपके साथ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो मेरा 3 साल का बेबी है, तो वो थोड़ा मेरे साथ इंजॉय करके खा लेगा ये, इसलिए मैंने ये आलू बनाए हैं। तो देखिए, ये आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसी ऑयल में, देखिए ऑयल में कितना बचा हुआ है 2 चम्मच में भी, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता। ये देखिए, ये रेडी हैं आलू, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इनको दही के साथ भी खा सकते हैं। आप इनको बच्चों को वैसे नॉर्मल भी बना कर दे सकते हैं, डेली में बच्चों से इनका वेट बढ़ता है। ये देखिए, हमने इसमें काली मिर्च हल्की सी ऐड करके अपनी, ये 2 आलू हमने मैश किए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, बर्थ वाली सब्ज़ी। जब तक हमारी सब्ज़ी रेडी हो रही है फ्रेंड्स, जब तक हम इसमें हमारे ये बॉईल किए हुए आलू को हम इस तरह से मैश कर लेते हैं सारे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे आलू मैश हो चुके हैं। आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं, इनको घिस कर भी आप डाल सकते हैं, या इस तरह से आप मैश कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ज़्यादा इसमें मोटे मोटे ना रहें बिल्कुल, इसको बारीक इसको पीसना है आपको। ये हमारा कुट्टू का आटा है, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। 1 पाव हमारा आटा है और आधा किलो से ज़्यादा हमारे आलू हैं। देखिए, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इस तरीके से, अब जैसे आटा हम गूंदते हैं उस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। ये हमारा आटा देखिए लग गया है, रेडी है आटा। अब इसको हम जैसे हम रोटियां बनाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा आटा लेकर और उस तरीके से हम बेलकर, ये हमारा फॉर्चून ऑयल है देखिए, ये हम गर्म होने के लिए हमने रख दिया है इसमें। ये देखिए, हमने ये बेलन से बेलते हुए, जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं उस तरीके से बेलकर थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर बेलनी है आपको, ताकि ये चिपके ना। इस तरीके से बेलकर हम इसमें, अब इसको हम इस तरह से तलेंगे। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं ये, और ये बहुत जल्दी टूटने भी लग जाता है आटा, इसलिए आप इसको जब बनाएं, जब इसको गूंद कर रखें, उससे पहले इसको गूंद कर रखोगे तो ये आटा एकदम आपका एकदम पतला हो जाएगा, जिससे कि आपकी पूड़ियाँ बनने में आपको बहुत दिक्कत होगी। जब भी आपको बनानी हो, जब भी आपको 5 मिनट के अंदर आलू मिलाकर इसके अंदर रखना है, बनानी है हाथ के हाथ, अगर आप इसको रख दोगे इस आटे को, तो ये आटा एकदम पतला हो जाएगा, जिससे कि आपकी पूड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। तो ये देखिए, ये मैं जल्दी से बना रही हूँ इस तरीके से, खाने में बहुत सॉफ्ट ही लगती हैं। अगर आप इनको गरम गरम देते हैं, खाते हैं, तो ये एकदम करारी सी बनती हैं और क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में फ्रेंड्स।
जिसको कुट्टू पसंद है उनको तो अच्छी लगती है, जिनको नहीं पसंद है उनको नहीं लगेंगी। और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती, जैसे कि हम पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं आलू की, उनसे कम ऑयली रहती है ये, इतना ऑयल इसमें नहीं होता जितना कि हम अपनी आलू की पकौड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, मेरे कहने से बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में। एक बार आप खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। इस तरीके से देखिए मैं ये सारी पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, सारी पूड़ियाँ इसमें तल लेती हूँ। देखिए ये हमारी पूड़ियाँ ये देखिए बन के रेडी हैं। इस तरीके से ये देखिए निकाल लेते हैं हम इनको प्लेट में। ज़रूरी नहीं है आप ये बर्थ में बनाकर खाएं, आप इसको वैसे भी बनाकर खा सकते हैं अगर आपको कुट्टू ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो कुट्टू बहुत पसंद है। ये देखिए हमारी थाली रेडी है, बर्थ की थाली। आप इसको दही के साथ या आलू की सब्जी के साथ या आप नॉर्मल वैसे बना के अगर खाना चाहें तो वैसे खाकर बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और बहुत ही हेल्दी भी है ये नुकसान भी नहीं करती है सबको। बस ये गर्म होती है, सबको पता है कि कुट्टू गर्म होता है, तो ये सर्दियों में ही अच्छी लगती है। आप इसको देखो इस तरीके से हाथ से बेल कर भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको चकली बेलन से ही बनानी है, आप हाथ से गोल गोल इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से गोल करके, और आप इसमें थोड़ा आटा लगा के हाथ से भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनती है हाथ से। हाथ से बेलन के मुकाबले बहुत जल्दी बनती है फ्रेंड्स, और हाथ से पतली भी बहुत बनती है, बेलन से हमारी थोड़ी मोटी बनती है, और पतली आपको एकदम बनानी है तो आप हाथ से ही बनाइए इस तरीके से। ये देखिए ये फूली फूली हमारी आलू की पूड़ी रेडी है। आप इसे आलू की पूड़ी या आलू की कचौड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, आलू की कचौड़ी भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं कराया, ओनली आलू में ही गुथी हुई है ये। ये देखिए कितनी अच्छी हाथ से भी बनती है ये, बहुत अच्छी बनती है हाथ से भी। तो आप इनको दो तरीके से बना सकते हैं, बेल कर भी बना सकते हैं अगर आपको हाथ से बनानी नहीं आती, और हाथ से भी बना सकते हैं। पर बनाएं इसको जब भी फ्रेंड्स, ये याद रखें आप, अगर आप इसको आटे को लगा रहे हो तो इसको हाथ के याद बनाना है आपको। अगर आप इसको 5 मिनट भी रख देते हो तो ये आपका आटा एकदम ढीला एकदम पतला हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, जिससे कि आप इसकी पूड़ियाँ फिर नहीं बना सकते, फिर आपको इसके अंदर और आटा या ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बन सके। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और एक बार बनाकर मुझे ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ये हमारी क्रिस्पी और सॉफ्ट एकदम रेडी है हमारी ये आलू की कचौड़ी या आलू की और कुट्टू की पूड़ी, ये देखिए इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।